ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮਹਿਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਂ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੁਛ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾਏ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੰਚ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੰਚ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਅਕੇਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਜੀਏ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੰਚ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੁਕੇ ਜੀ इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें एक बार रोज देकर हम इन दोनों का स्वागत करना चाहते हैं और अगले सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे ताड़ियां दी गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए ते बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र कौर भट्ट जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है पंजाब में एज अ महिला मुख्यमंत्री आपने एक जिम्मेदारी निभाई बाखूबी निभाई है ये जिम्मेदारी और पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री आप बनी लेकिन आपके बाद कोई महिला मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं मिल पाई ऐसा क्यों ये तो दूसरी पार्टी सुता सकती है क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की और मैं ग्रेटफुल हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक नया मील पत्थर गड्ढा जिसको मुझे महिला मंत्री चीफ मिनिस्टर बनाकर पहली दिखाया जी। तो और नहीं बनी कोई उसकी ये तो दूसरी पार्टीज बताएंगी मैं तो ऐसे अब मेरी बहन बैठी है बच्ची बैठी है छोटी हमारी मैं तो अभी इनसे ही बात कर रही थी जी। कि इतनी पढ़ी लिखी हो सब कुछ हो चलो चीफ मिनिस्टर सरकार नहीं आपकी लेकिन अपोजिशन लीडर ही बना देते जी। इसी तरीके से मैं अकाली दल वालों को भी ये हमेशा कहती थी कि इतनी बातें करते हो मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी मुख्यमंत्री ही बना देते लेकिन इसके लिए मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देती हूँ की बदलाव देख रहे हो उस दौर की सियासत दे विच उस दौर विच महिलावां दा कितना योगदान सी ते आज दी टाइम दी गल करिए सियासत दी कितना योगदान महिलावां दा औरत दा हर पासे इक्वल पार्ट कह दिंदे आ सी इक गल ए भी कह दिंदे आ भी इन्ने परसेंट असी इत्थे 50% असी लोकल बॉडीज दे दांगे जां कुछ कर दांगे पर बड़ी दुखदायक गल यह कहनी पै रही है भी उन्हां औरतां दे नाल भी म्यूनसिपल कारपोरेशन च धक्का कितना होया दूसरी गल सरकार आई इन्होंने इको ही गल कही भी PhD तक एजुकेशन फ्री औरतां ने लेडीज अज तक की होया असीं एक औरत नूं वोट मुद्दा बना के अगे वध रहे हैं बहुत अच्छी गल है साढ़े मैडम जी CM बने पर मैनूं यह दसो भी दोनों सरकारां ने अज तक कि असी लेडीज की सिक्योरिटी बताती कि साड़िया लेडीज गलत गल होनी बंद हो गई असी बजाए इस मंच तो एक औरत कुछ औरत बढ़िया आके नो डाउट पर बाकी का की करिए असी जी इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं की स्थिति की बात की राजनीति में बात करूं या पंजाब में बात करूं आपको क्या लगता है कि कमी कहां रह जाती है महिलाओं को जो जिम्मेदारी देनी चाहिए या विश्वास जो महिलाओं पर रखना चाहिए वो राजनीति में तमाम सरकारें जो है विश्वास दिखा नहीं पाती है ये कमी कहां रह गई देखिए इतिहास गवाह है इस बात का जी कि शुरू से लेकर हमारे गुरु हों पीर हों बाबा नानक जी हों औरत के लिए आवाज उठाते आए लेकिन हमारी बैकवर्डनेस में जन्म से ही समझा गया जब हम समझते हैं कि बच्ची होती है बेटे को दूध पिलाओ बेटी को ऐसे करो एजुकेशन में भी हर जगह में भी लेकिन आई एम रियली फील प्राउड कि कम से कम इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की सबसे पहले जब सरदार बयान सिंह जी थे तो उस वक्त हमने 33% की हमें लेडीज नहीं मिल रही थी उस वक्त अब भी मैं समझती हूँ जैसे इन्होंने अपनी बेटी ने कहा अब भी जब हम जाते हैं गाँव में तो लेडी सरपंच होती है लेडी ब्लॉक समिति होती है उसमें जब हम कहते हैं तो उसके आदमी आगे आ जाते हैं तो हम पूछते हैं भी जो पांच लेडी है सरपंच लेडी है आदमी बनी हुई है ब्लॉक समिति की वो क्यों नहीं आ गई मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नीचे जाओ आपकी बीवी जो सरपंच बनी हुई आगे आए इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं जिम्मेवार इसके लिए समाज भी जिम्मेवार होता है और समाज में से हमें लड़कियों को लेडीज को आगे आना होगा इतने गल करिए पंचायती राज
ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੇਅਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ, ਵਾਏ ਦੇ ਇਗਨੋਰਡ ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 33% ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਆ, ਆਜ ਜੈਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੇ ਲੇਕਰ PhD ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ, ਅਭੀ ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, 5 ਸਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਚੁਣਾ ਹੈ ਹਮੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਮੇਂ ਹਮ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਹਾ ਵੋ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੈਸੇ 33% ਕੋ ਨੌਕਰੀਓਂ ਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣੇ, ਸਕੀਮੇ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਕਹਾਂ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਉਸਮੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਕਮੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ, ਉਸਮੇ ਆਪਣਾ ਤੋਮੋਤਬਾਜ਼ੀ ਐਸੀ ਉਨ ਬਾਤੋਂ ਮੇ ਸੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਓ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸੁਝਾਰੂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣੇ ਮੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ 90% SC ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਵਿਪਕਸ਼ ਕੋ ਵੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਅਬ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ 7,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਥੀ ਔਰ ਉਸਮੇ ਸੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਦਲਿਤ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੋਂ ਕਾ ਥਾ, ਜੇ ਥਾ, ਇਹ ਰਲਾ ਕੇ 21,000 ਕੇ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਹਮਾਰੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੂੰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੋ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੈਫਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਜੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹਮ ਬਣੇ ਹੈ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੱਕੜੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਣੀ, ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਹਮਾਰੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੋ ਨੇ। ਮੁਝੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਗੌਰਵ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਠੀ ਹੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਤੋ ਉਨਮੇ ਸੇ ਹਮਨੇ ਪੂਰੇ 1,17,34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਠਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,
17 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਦਮ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਨ ਹਮ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 33% ਹਮ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀ उनको हम सिक्योर करेंगे कि उनकी नौकरी से हमको देनी है श्योर करेंगे इस बात को लेकिन जो गांवों में बैठी हैं अनपढ़ हैं कोई काम नहीं कर सकती मेरा अपनी प्लान जो मैं दूंगी सरकार को अभी उसके लिए कोशिश मैं काफी देर से सोच रही हूं हम समझते हैं कि वो अनपढ़ हैं बाहर नहीं जा सकती नौकरी नहीं मिल सकती लेकिन पैसा है नहीं गरीबी है तो उनके लिए हम गाँव में कम्युनिटी हॉल बना करके जो हमारी ग्राम सेविका अभी फ्री बैठी हैं वेली बैठी हैं उन सबसे ट्रेनिंग दिला करके हम लड़कियों को हम ऐसे सेंटर बनाएं जहां तरह तरह की चीजें हाथ से वो बना सकें जिनकी ट्रेनिंग दें पापड़ हो बढ़िया हो मोमबत्ती हो कुछ और काम हो वो हमारी लेडीज अपने गांव में अपनी धर्मशाला में जाएं उनके पास एक घंटा हो दो घंटे हो तीन घंटे हो जितने घंटे वो काम कर सकती हैं वो काम करें और अपना शाम को अपने हाथ पे पैसा रखकर अपने घर जाएं लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की तो उसके लिए भी हम समझते हैं कि हमारे अपने डिपार्टमेंट कैसा सेल करें कि जो जो चीजें हमारी लड़कियों सेंटरों में बना रही हैं उनको कंज्यूम करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट पद्धर के ऊपर वीडियो से लेकर ऊपर तक वो सब बातें की उनकी अपनी मार्केटिंग हो ताकि हमारा जी काम श्री चढ़ सके इससे बातचीत हो रही है कि सही तरीके से इसे अमल में लाया जाएगा नहीं मैंने पहले जो कहा कांग्रेस पार्टी का इतिहास लीजिए हमने ऐसे नहीं कि बातें करी हैं हमने अगर आतंकवाद खत्म करने की बात की तो करके दिखाया हमने अगर उसके बाद किसी भी तरीके से पंजाब में अमन शांति के साथ साथ फाइनेंस पांव पे लेकर आए जिस वक्त सरदार बेअंत सिंह जी थे 750-750 करोड़ की प्लान थी हमारी लेकिन हमने वो अपने पारों से ला के मजदूर नहीं मिलते थे मिस्त्री नहीं मिलते थे करके दिखाया इस वक्त भी हम कहते हैं कि आप देखिए अभी तो पहला साल गुजरा है हमारा पहले साल का तो कोई भी नहीं कह सकता कोई भी पार्टी मुझे बताए कहीं हो दिल्ली में बता दें इधर बता दें उधर बता दें जो भी सरकार चल रही है पहले साल में तो इंतजाम करने होते हैं हम कर रहे हैं एक साल का बजट हमारा और आने दीजिए तो उसमें हम पूरा करके सारी जो स्कीमें जो वादे किए करेंगे तीसरे साल में हम पंजाब का खजाना उछलने लगा देंगे जिसमें से हम सब मैं एक गल जरूर कहना चाहूंगी प्लीज पंजाब ऑल ओवर इंडिया के 16.6% यूथ अनएम्प्लॉयड है जबकि एवरेज इंडिया के 10.4 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਆਡੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਵਾਲ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨਮਸ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦਾ DGP ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ
लेकिन जिहड़ियां लेडीज़ दी इन्हां ने गल कीती हैगी है उन्हां दे बारे भी असी किसी एक एक संस्था बनाई है जिहदे विच उन्हां दा इलाज भी उन्हां दा सारा कुछ इंतजाम भी उन्हां नूं होण वाले क्राइम नूं भी नत्थ पाई जाऊ सख्ती दे नाल पूरी तरह नाल डील करांगे जिवें मैं कहा कि इह पहला साल है साडा अगले साल दे विच इह चीज़ां नूं इंप्लीमेंट चीज़ां बनाउणियां 0% टॉलरेंस 0% जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोई काम नहीं है बेरोजगार है जे बेरोजगारी खत्म होवे पंजाब दे विच तां कितना कितने भावें महिलावां होण भावें नौजवान होण तां नशा खत्म हो सकदा पंजाब च इह भी तुहानूं इह गल सुण के होणी है हैरानी पौणे 3 लाख असीं जिहड़ा नौजवान है उहनां नूं सरकारी गैर सरकारी जाति वक्खरे वक्खरे कम्मां दे विच असीं उहनां नूं अपना जॉब प्रोवाइड कीता ते इन्ना टीचा अगली बार रख्या है शायद ही कोई ऐसी सरकार होवे जिहड़ी सरकार पहले साल विच इन्ने स्टैप्स चक चुकी होवे चाहे वह किसानों के कर्जे माफी का होवे चाहे वह नौजवानों को रुजगार देने का होवे जवानी ते किसानी ते औरतों के वास्ते ये असी पहले साल से लैके चले हाँ जे साडा सपना है जे तुरन लगे हाँ जे सपना ही नहीं जे लैके तुरना ही नहीं जे असी गल ही नहीं करनी शुरुआत ही नहीं करनी तो अपने आप तो होना नहीं असी सोचते कि अज ही क्यों नहीं होया वा हाउ वी कैन थिंक हाउ कौन कर सकता है अजे दिन कर सारे लिए इंतजाम करने पैंदे हैं असीं उहदे इंतजाम कर रहे हैगे और साडी पूरी जिम्मेवारी है मैं एक औरत होण दे नाते मैं भी सरकार चला के देखी है बड़ी जे विल होवे तो सारा कुछ हो सकता है असीं सारी चीज पूरी तरीके मैं एक गल जरूर कहना चाहूंगी मैनूं पता भी एक साल च टाइम लगता काम करन पर जदों कैप्टन साहब ने 4 हफ्तों के सहुं खाधी सी लोगों पंजाबियों लग्या भी कोई स्ट्रैटेजी लैके आ रहे हैं जिहड़ा शायद इन्हां ने उस स्ट्रैटेजी के अंडर इमीडिएट सारा कुछ खत्म कर देंगे इन्होंने कहा कि 0% टॉलरेंस इन ड्रग्स एंड करप्शन ओके 70,575 करोड़ रुपया पर ईयर असी ड्रग्स से खर्च रहे हैं जे असी उस चीज़ नूं किन्ने असी किन्ने सेंटर साढ़े ऐसे है जिहड़े बिना दवाई तो तरस रहे हैं अजकल लोगों के विच तुसीं पिछले साल सुने से भी टीके लाला मर रहे हैं इस साल क्यों मर रहे हैं टीका कित्थों आ रहा कौन आ रहा किन्ने जने असी देखे वो तो देखिए जो किसी का मुंडा नशे नाल मर जाता वो पुलिस सीधा सीधा 174 का केस पा के परे कर दिंदी है कोई नहीं सर्च करता जे उत्थे कोई पोलीटिकल इफेक्ट होवे पर एक ए भी सवाल है कि पुलिस अधिकारियों के भी नाम शामिल होंदे ने जिहड़ी पुलिस देश की रक्षा लई तैनात रहिंदी है उन्हां अधिकारियों से भी कई बार इल्जाम लगाए जाते हैं कि नशा बेचते ने या मजबूर करते ने केस दर्ज करते ने मैं इस गल नूं डिनाई नहीं करती कि किसी वक्त भी किसी पुलिस वालों का हाथ उस विच शामिल नहीं हुंदा यह परंपरा चली आ रही है सारिया थावां ते नहीं बहुत चली आ रही है लेकिन जिस तरह सीरीयसनैस लई है जो कैप्टन साहब ने कहा वेंदियां सार असी टास्क फोर्स सीनियर अफसर के नाम से बनाई और कल्ली बनाई हुई नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਵਿਕਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ 100% ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 1% ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ 2% ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ अगला सवाल लीजिए मैम मेरा नाम प्रियांजना है और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ जैसा कि हम जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 47% वुमेन वोटर्स हैं बट पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड टू 5% ही है इसका रीजन क्या है क्या लोग ट्रस्ट नहीं करते या पार्टी की तरफ से टिकट ही नहीं मिल रही और हम इस सिचुएशन को कैसे बेटर कर सकते हैं राजेंद्र मैं समझती हूँ जो कहा लड़कियों का अच्छी मुझे खुशी हुई है कि आज हमारे हमारी सोच आई है हमारी लड़कियों की सोच आई है कि हमें हक मिलना चाहिए और हक मिलना चाहिए इसलिए मैं कहती हूँ इस हक के लिए कांग्रेस ही है सोनिया जी ने 33% पास किया था कि हम लेकर आएंगे हमारी पार्टी में लेकर आए लेकिन वो बिल पास लेकिन नहीं सपना तो तब पूरा होगा जब पंजाब विधानसभा में भी इस तरीके की तस्वीर नजर आएगी क्योंकि स्थानीय और पंचायती चुनावों में तो आपने आरक्षण दिया है लेकिन ये स्थिति अगर पंजाब की विधानसभा में भी बदलेगी तो कहीं ना कहीं समझती हूँ पार्टीज को करना पड़ेगा सारी पार्टीज को जैसे हम कहते हैं कि बातों से नहीं होगा ये काम करना पड़ेगा हमारी लेडीज को भी अग्रेसिवली आगे आना पड़ेगा और हमारी पार्टीज को भी अब जो रेशो है अभी समझ करेंगे अपनी सरकार में कि हम समझते मैं तो सारे समझते हैं कि मैं तो लेडीज की लड़ाई लड़ी है लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो सकता है हमारी मेरी स्पीड में कमी हो लेकिन अगर लेडीज को मानता सम्मानता देने के लिए कोई कदम उठाया हो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर एक औरत किस पार्टी ने बनाई कांग्रेस ने बनाई पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर औरत किसने बनाई पार्टी ने बनाई कांग्रेस पार्टी ने बनाई
और आज भी इस बात का हमें प्राउड फील होता है कि कांग्रेस पार्टी की नेशनल लेवल की अगर कोई प्रेसिडेंट बनाई औरत तो वो कांग्रेस ने बनाई। इसके लिए हम यही समझते कि यही बहुत है। अभी हमें जो नीचे लेवल की लड़कियां हैं आगे आए, विधानसभा में आए, पार्लियामेंट में आए, लड़कियों को भी आगे आने के लिए चलना पड़ेगा। सब तो पहला एक गल जरूर है, सानू तिना पार्टियां नू एश्योरेंस देनी पड़ेगी भी कोई भी लेडी किसी पार्टी वालों आती है वह सिक्योर है। पिंड झाड़ों के 100% हैंडीकेप्ट बंदा जगसीर वो ब्लॉक समिति इलैक्शन खड़ा, इलैक्शन के खड़ के उस बंदे से फायरिंग की गई, उन्होंने डराया धमकया गया। 307 का परचा उत्थे किसी राजे नाम से होया, 19 तरीक न उस राजे नाम से परचा होया। तुसी इंतहा देखो 20 तरीक न वह बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। जे एक हैंडीकैप नू नहीं असी बख्श रहे, लेडीज़ नू उहदा हसबेंड उहदा फादर जां उहदा ब्रदर इदां दे फील्ड च आउण दी परमिशन कितना दे देगा। सब तो पहला तो इस चीज़ से स्ट्रिक्टली आना पैना भी इलैक्शन दे विच किसे तरह का कोई भी धक्का नहीं किया जाएगा। जे धक्का करना तो तुसी अपने आप ही अनाउंस कर लो, कोई चक्कर नहीं। देखो भट्टल जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे मैं लेना चाहूंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी लड़कियां, जैसे हमने एक अमृता प्रीतम जी ने कहा था, उम्र भर की आरजू है उम्र भर के गम का राज, सोचती हूं शायद कोई बन जाए मेरी आवाज। ये अमृता प्रीतम जी ने कहा था। मेरा यही संदेश है कि हमारी बेटियां अग्रेसिवली आगे आओ, लड़कर आगे आओ। कोई भी बात, कोई भी संघर्ष देश का होता है वो आगे कदम पटने के बाद ही होता है, घर बैठे कोई पूछेगा नहीं। मैं समझती हूं कि इसके बाद भी हमारी महिलाएं चीफ मिनिस्टर बनती जाएं, सो स्ट्रांगली आगे आना पड़ेगा। जैसे आप बात कर रहे हो कि इन्होंने क्या किया, इलेक्शनें हुई, हमारे 10 सालों का हमने राज देखा है। पंजाब के लोगों ने 10 साल में कितना गुंडागर्दी का राज था, हमने वो गैंगस्टर सिस्टम खत्म किया। किस तरीके से आप समझते हो कि देखते हो कि जाती हुई है, कोई इंडिविजुअल केस की बात की हमारी लड़की ने, लेकिन जे भी फैक्ट है, पहली दफा जे बात हमारे वर्कर भी कभी कह देते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को हमने पॉलिटिकलाइज नहीं किया, सरकार इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी की बहुत इंटरफेरेंस नहीं है, जो पहली दफा हमारी पार्टी ने किया। बिल्कुल, तां उम्मीद यही है कि आने वाले समय के महिलाओं को उन्हों का हक मिले तो विधानसभा के भी महिलाओं वध चढ़ के हिस्सा लैन। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हों का इस मंच से मौजूद रहने लई ते गलबात लई। ते हुण ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा को मैं मंच से बुलाना चाहती हूँ कि आके वो दोनों को सम्मानित करन। तां जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो और एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए जिन्होंने यहाँ पर बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और महिलाओं की स्थिति पंजाब में किस तरीके से खुशहाल हो सकती है इस पर अपने विचार रखे। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र कौर भट्टल जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। और अब मैं चाहूंगी कि सरवजीत कौर मानुके जी को टोकन ऑफ लव फ्रॉम जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, एक बार जोरदार तालियां प्लीज। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच।